आज आइए हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई इसका अध्ययन करते हैं और इसके वायुमंडल में संगठन क्या क्या है इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति। आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी शुरू में एक गैस का गोला थी, गर्म थी, अपने अक्ष पर बहुत तीव्र गति से रोटेट कर रही थी, केंद्रापसारी बल बहुत अधिक था, परिणाम स्वरूप पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा और इससे निकलने वाली सभी गैसें अंतरिक्ष में विसर्जित हो जाती थी। धीरे धीरे पृथ्वी की अक्षीय गति घटी और घटने से इसका ग्रेविटेशन बढ़ा, परिणाम स्वरूप इससे निकलने वाली गैसें, पहले गैसें ज्यादा निकल रही थी, वो पृथ्वी के बाहर एक निश्चित क्षेत्र में स्थिर होने लगी। वो गैस थी ना, वायु थी ना, बस बन गया वायुमंडल। अब उन गैसों में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में मिलने लगी और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिली तो बनी जलवाष्प। जलवाष्प कब तक वहां रहेगी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप जलवाष्प भी धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हुई, उसका वर्षण हुआ और पृथ्वी की सतह पर आ गिरी। गर्म सतह थी, वर्षण हुआ, परिणाम क्या होगा? इसकी गर्मी और तेजी से निकलेगी, फलस्वरूप पृथ्वी की सतह में सिकुड़न हो गया, कुछ भाग तो ऊंचे उठ गए, वही तो बने स्थलखंड, और कुछ भाग दब गए, वर्षा का जल उन्हें भर गया और वो बन गए महासागर। इसको आप जियोमॉर्फोलॉजी में विशेष रूप से सीखेंगे, पर अभी तो हमको देखना है कि हमारा वायुमंडल कैसे बना, कैसे निकली, गुरुत्वाकर्षण कारण पृथ्वी से बन ही और उसमें जलवाष्प भी बने। तो इसका मतलब सबसे पहले बनता है हमारा स्थल मंडल, उसके बाद बनता है हमारा वायुमंडल, उसके बाद फिर बना जल मंडल, और जब जल आ गया तो माँ प्रकृति ने सोचा कि अब कुछ वनस्पतियों को, कुछ जीवों को भेजा जाए, तो बन गया हमारा जीव मंडल। अब आइए हम देखते हैं कि वायुमंडल की उत्पत्ति के बाद उसमें क्या क्या है। तो उसमें अभी हमने उत्पत्ति में सीखा कि गैसें हैं और ओरिजिन के समय जो गैसें थी क्या वही होंगी या अपरिवर्तन हुआ होगा। तो स्पष्ट सी बात है कि अपरिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि वनस्पतियों के विकास के बाद गैसों के प्रतिशत में, संगठन में कुछ न कुछ तब्दीली तो अवश्य आई होगी, और इसके बाद उसी समय कुछ डस्ट भी निकल रहे थे, क्योंकि पृथ्वी की परत के ठोस होते ही ज्वालामुखियों का भी उद्गार शुरू हो गया, जिनसे डस्ट भी विसर्जित थी, और जलवाष्प का निर्माण तो वायुमंडल में होगा। इसका मतलब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में तीन मुख्य संगठन है, नंबर एक गैस, नंबर दो डस्ट, नंबर तीन वाटर वेपर या जलवाष्प। अब इसमें गैस में कई गैस हैं जिनके प्रतिशत हैं, जिसको आप देखे रहिएगा, लेकिन इसमें हम लोग दो दृष्टि को देखते हैं, एक तो जलवायु विज्ञान की दृष्टि या मौसम की दृष्टि। हमारी तीन गैसें हैं, नाइट्रोजन इसका प्रतिशत भी तो ज्यादा है, इसकी भूमिका भी ज्यादा है, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ये वायुमंडल में क्या रोल है, कैसे बढ़ रही है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यही गैस है। और इसके बाद ओजोन, जिससे भी संबंधित बहुतेरे प्रश्न उठते हैं, ओजोन विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग इनका प्रतिशत भी ध्यान में रखेंगे, 78%, 0.03% और 0.00006%। क्यों? क्योंकि इनसे भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बाकी ध्यान तो सब पर रखिएगा, लेकिन वो जलवायु विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस तो होगा,
प्रकृति ने जो कुछ बनाया है सब चीज इम्पॉर्टेंट, भविष्य में अनुसंधान से उनके महत्व का पता लगेगा। तो आइए हम लोग एक एक गैस का अध्ययन करें। पहली गैस है नाइट्रोजन, प्रतिशत ज्यादा है ना, लेकिन प्रतिशत से उतना मतलब नहीं है जितना कि उसकी भूमिका से। तो हमारी नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में भरी है 78%, और वह भारी होती है, और भारी होने के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींची होने से पृथ्वी की सतह के पास ज्यादा होती है, और वहीं पर वृक्ष भी है। नाइट्रोजन गैस वृक्षों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह बायोलॉजिकली इनर्ट है, इसको वृक्ष नहीं दे सकता, वृक्ष की पत्तियों पर यह आके बैठ जाती है, कहती है खा लो मुझको, तो वृक्ष की पत्तियां कहती हैं मैं नहीं खा सकती। आप ये सोचिए कि आपके गर्दन पर एक रसगुल्ला रख दिया जाए तो स्वाद मिलेगा? नहीं, उस रसगुल्ले को खाने का एक निश्चित स्थान है, उसमें एक रस है रसना में, तभी तो आप मीठा कहेंगे। इसलिए वृक्ष प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन को नहीं लेता है, लेकिन जरूरत तो उसको है ही, इसलिए वह नाइट्रोजन वृक्ष की जड़ों में, सब वृक्ष की नहीं, कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। लेगुमिनस प्लांट माने जो दलहनी फसलें होती हैं। अब लिस्ट देखिएगा दलहनी फसलें, कुछ लोग दलहन और तिलहन में अंतर ही नहीं जानते, आज जान लीजिएगा। तो दलहनी फसलों में जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है रासायनिक क्रिया द्वारा, और इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जब दलहनी वृक्षों की जड़ों में फिक्स हो जाता है तो मिट्टी में नाइट्रोजन आ गया, बस बन गया काम। अब मिट्टी को मिल गई नाइट्रोजन, किसी केमिकल की जरूरत नहीं, यूरिया और कृत्रिम नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए प्रकृति की उदारता और प्रकृति का नेचुरल सिस्टम। अब ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद ये दूसरी बार जब नॉन लेगुमिनस प्लांट लगाएंगे जैसे गेहूं, तो गेहूं की जड़ें इस नाइट्रोजन को फिर से ले लेंगे, नाइट्रोजन केमिकल डालने की जरूरत नहीं, और यह नाइट्रोजन मिट्टी में पड़ी रहती है, प्लांट साइकिल में जाती है। लेकिन एक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी होता है, वह इस नाइट्रोजन को डीनाइट्रिफाई कर देता है, जिससे यह नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। कहाँ जाती है? जहां से आई थी। इस प्रकार एक नेचुरल साइकिल प्राकृतिक चक्र बन जाता है। प्रकृति में अगर हम बाधा न डालें तो बहुत ही बैलेंस है, बहुत ही संतुलित। क्यों नहीं डालेंगे बाधा? हम इंसान हैं ना, अपने को बुद्धिमान मानते हैं। आइए देखते हैं क्या करते हैं। वृक्ष या पौधे का अंतिम हस्त क्या होता है? उसका जल जाना। अगर हम पेड़ों का फर्नीचर बनाते हैं तो भी लास्ट में जलता है। तो इस तरह से इसको खाने के बाद ये पूरा का पूरा अंत में जलेगा। बर्निंग के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड विसर्जित होती है, और वो ऑक्साइड वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में उसका इंतजार जल वाष्प कर रही है, दोनों का होता है मिलन, और इस तरह से बन जाता है नाइट्रिक एसिड। ये एसिड धीरे धीरे पृथ्वी की सतह की तरफ आता है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। यह एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदूषण है। क्यों है? मानव ने किया है, मानव की क्रियाओं के द्वारा यह हो रहा है। और यह एसिड रेन कहाँ गिरेगा? या तो लैंड पर या तो वाटर में, दोनों में ही हानिकारक होगा। लैंड पर गिरेगा तो सॉयल में
एसिडिटी बढ़ा देगा, उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता कम हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और अगर पानी में गिरा तो उसमें भी एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, वहाँ के फाइटोप्लैंकटन, वहाँ के जूप्लैंकटन प्रभावित हो जाएंगे। इस तरह से हमारी नाइट्रोजन की एक नेचुरल साइकिल है, लेकिन एक विशेष साइकिल है जिसको कि मनुष्य ने बनाया है। तो हमको संकल्प लेना चाहिए कि इस विशेष साइकिल को हम रोकें। संकल्प लेते हैं रुकने को नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन चल रहा है, फिर भी हमारे वैज्ञानिक तरीके ढूंढने में लगे। इसी से संबंधित एक पेड़ है, और पेड़ से ही संबंधित एग्रीकल्चर होती है। तो हम लोग इस नाइट्रोजन को एग्रीकल्चर की फील्ड में भी पढ़ते हैं, वैसे क्लाइमेटोलॉजी में तो इतना ही पर्याप्त है, लेकिन अब थोड़ा सा इसी समय हम एग्रीकल्चर साइंस में देखते हैं कि किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर में ये जो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर होती है, कृषि जो पारिस्थितिकी मैत्री होती है, वो कैसे होती है। अर्थात उसमें हम जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन आ रही है उसी का यूज होने दें। हम जो हमारे साइंटिस्ट कृत्रिम ढंग से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की गैस को फिक्स कर लेते हैं और उसका केमिकल बना लेते हैं और उसको खेतों में डालते हैं, वो हार्मफुल है केमिकल, क्योंकि वह फूड चेन द्वारा हमारे शरीर में जाकर विभिन्न विकार और बीमारियां पैदा करता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम विश्व के लोग इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कैसे करें। इसके लिए एक प्रोसेस है राइजोबियम कल्चर, अर्थात जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है, तो हम अगर उसकी जनसंख्या बढ़ा दें, वैज्ञानिक ढंग से उसकी संख्या में वृद्धि कर दें, और साइंटिस्ट कर भी रहे हैं, तो उसको हम खेतों में छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के तो बैक्टीरिया पड़ा रहेगा खेतों में, पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर वायुमंडल होगा ही, उसकी नाइट्रोजन को लेकर फिक्स कर देगा, बस काम हो गया, किसान खेती किए, मिट्टी उपजाऊ। इसमें कोई दुष्प्रभाव फसल पर या मिट्टी पर नहीं पड़ेगा। और दूसरा है, जैसे ये किसान के पास ये राइजोबियम कल्चर नहीं है, वो गरीब है, तो दूसरा तरीका वो क्रॉप रोटेशन करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे भारतीय किसान बहुत पहले से करते थे। कहते थे भाई एक बार खेत में दलहनी फसल लगा दीजिए, दलहनी फसल माने अरहर, चना, मटर, तो दूसरी साल फिर दलहनी में लगाइए, उसमें फिर आप खाद्यान्न फसल लगा दीजिए जैसे गेहूं। क्यों? क्योंकि दलहनी फसल जब लगी थी तो वायुमंडल का नाइट्रोजन लेगुमिनस प्लांट्स के राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा मिट्टी में फिक्स है। गेहूं लगा दीजिए, गेहूं का पौधा उस मिट्टी के नाइट्रोजन को ले लेगा, प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगली बार केमिकल तो हमारे पास है नहीं, पुराने किसानों के पास, तो अगली बार फिर दलहनी फसल। इस तरह से ये रहा क्रॉप रोटेशन, सस्यावर्तन, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, अभी किसान करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रॉप रोटेशन है सस्यावर्तन, ये फील्ड रोटेशन नहीं है। फील्ड रोटेशन अलग चीज होती है, झूमिंग एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग आगे सीखेंगे। और इसके बाद इसमें ग्रीन मैन्योर, कुछ हरी खादें आती हैं जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, पत्तियां हैं, सनई है, ढैंचा है, इसको सड़ाया जाता है। और इसमें है आपका काऊ डंग, गोबर की खाद। इस तरह से ये सब इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के पार्ट हैं। और एक नई टेक्नोलॉजी उर्मी कल्चर,
कहने के लिए तो नई है लेकिन है बहुत पुरानी। उर्मी माने केचुआ, आपने सुना होगा, देखा होगा, कब जाड़ा गर्मी की बरसात, शायद बरसात, वो बेचारे अपना काम करते रहते हैं, मिट्टी को खाते भी हैं, मिट्टी को निकालते भी हैं और मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। तो उनकी संख्या अगर कम होगी, क्योंकि इस समय हम बहुत सारे केमिकल मिट्टी में डाल रहे हैं और बड़ा सेंसिटिव जीव होता है, मरेगा, तो जिम्मेदारी तो हमारी है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट उर्मी कल्चर को प्रैक्टिस ले रहे हैं और उनको आर्टिफिशियली तैयार करके खेतों में डाल देते हैं, वो अपना काम कर देते हैं और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए ये जो कृषि से संबंधित ये चीजें हैं, इको फ्रेंडली, इस पर आप एक अलग से टिप्पणी तैयार रखिएगा।